गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज विशाल बंसल। आज हम अपने 12th अकाउंटेंसी से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, जो है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने। देखिए, डिबेंचर को इशू करते टाइम आपके पास कई लॉस हो सकते हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कौन कौन से लॉस हो सकते हैं डिबेंचर को इशू करते टाइम? जैसे आपके पास कोई भी पार्लियामेंट्री एक्सपेंसिस हो, ये एक लॉस है, ठीक है। या फिर आपके पास में डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर को इशू करते टाइम आपने डिस्काउंट दे दिया, ये भी एक लॉस है। या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम पेड ऑन इशू, सॉरी, सिक्योरिटी प्रीमियम पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर की पेमेंट करते टाइम उनको प्रीमियम देना, वो भी आपके लिए एक लॉस ही है। ये तीनों आपके लिए क्या है? लॉस है। इन लॉस को आपको राइट ऑफ करना है। इसकी भी एक कंडीशन होती है, मान लीजिए आपने 5 साल के लिए डिबेंचर इशू करे हैं, तो आपको 5 साल के अंदर अंदर जो भी ये लॉस है, ये आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि कहां कहां से इन लॉस को हम राइट ऑफ कर सकते हैं। सोर्स ऑफ राइट ऑफ द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर को इशू करते टाइम होने वाले लॉस को राइट ऑफ करने के लिए कौन कौन से सोर्स आपके पास हो सकते हैं? तो आपके पास में सबसे पहला सोर्स है कैपिटल रिजर्व के लिए, दूसरा आपके पास सोर्स है सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर आपने शेयर्स या डिबेंचर इशू करते टाइम सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव किया है, तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास इन दोनों सोर्स में रुपया नहीं है, तो तीसरा जो सोर्स है वो आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो रुपया है, वो तो ऐसी चीज है कहीं भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं इस लॉस को राइट ऑफ करने, और ये सब अकाउंट क्या हो जाएंगे आपके डेबिट, और आपके पास में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो जाएगा आपके पास में करेक्ट, क्लियर। मान के चलिए आपने जो है ना लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आपके पास 2 लाख रुपए का, ठीक है, आपको ये राइट ऑफ करना है 2 लाख रुपए, तो इन तीन चीज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लॉस आपको पता चल गया होगा, पार्लियामेंट एक्सपेंस या डिस्काउंट ऑन इशू या सिक्योरिटी प्रीमियम पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये लॉस है, इन तीनों को जोड़ लो, जोड़ करके मुझे पता चला भाई 2 लाख रुपए का लॉस राइट ऑफ कर पड़ेगा। इस लॉस को मैं कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ कर सकता हूँ। मान लीजिए मेरे पास कैपिटल रिजर्व में 2 लाख रुपए थे, तो मैंने 2 लाख रुपए कैपिटल रिजर्व से लिए, इसको राइट ऑफ कर दिया। मान लीजिए क्वेश्चन में मेरे पास कैपिटल रिजर्व था ही नहीं, 0 बैलेंस बता रहा, कुछ बताया ही नहीं है ही नहीं, उसने कहा आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम से 2 लाख रुपए लेके इसको राइट ऑफ कर दूंगा। ना मेरे पास मान लो क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है, ना मेरे पास कैपिटल रिजर्व है, तो कुछ ले ही नहीं सकते इनसे, तो सारा रुपया कहां से राइट ऑफ करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से, क्लियर है ये वाली बात, समझ गए आप इस चीज को। अभी सुनिए आगे, अगर मान लीजिए मैं आपको ये कहूं क्वेश्चन में कि आपके पास में लॉस तो है 2 लाख रुपए, आपके पास में 40,000 रुपए के तो कैपिटल रिजर्व है, 20,000 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है, ठीक है, अब लॉस को राइट ऑफ करो, तो मैं 40,000 रुपए कैपिटल रिजर्व के ले लूंगा, 20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम के ले लूंगा, 60,000 हो गए, तो बचा हुआ 1,40,000 रुपया मैं कहां से लूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस से, और इस लॉस को मैं क्या कर दूंगा? राइट ऑफ कर दूंगा, क्लियर है। अभी ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए आपके पास कैपिटल रिजर्व के अंदर रुपए है 90,000 और आपके पास में 1,20,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम है, तब क्या करोगे? तो हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व का पूरा 90,000 लेंगे। देखिए एक चीज याद रखना, लॉस को राइट ऑफ करने के लिए पहले कैपिटल रिजर्व का रुपया लेंगे, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर प्रॉफिट लॉस, इसी सीक्वेंस में यूज करेंगे। तो कैपिटल रिजर्व 90,000 ले लिया,
अब पेमेंट करने 2 लाख के तो 1,10,000 की कमी रहेगी, तो सिक्योरिटी प्रीमियम से कितना रुपया लेंगे? 1,10,000। 1,20 का प्रीमियम है लेकिन यूज किसका करेंगे? 1,10 का, ना कि 1,20। क्लियर है स्टूडेंट? इस तरीके से हमें इस लॉस को राइट ऑफ करना है। प्रॉफिट लॉस से हम कुछ भी नहीं लेंगे, बस लॉस को राइट ऑफ करने की ये जनरल एंट्री है, इस तरीके से करना है। इशू की एंट्री वो आपको आती होंगी, पिछली वीडियो से हमने इशू और डिडम्पशन की एंट्री देखी थी, वो आप वहां से कर सकते हैं, वो सिमिलर रहेंगी, चेंज नहीं। फिर भी आपको कोई क्वेरी आती है तो 7988967705 मेरा फोन नंबर है, आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।